अच्छा तो भाइयों जी सर, बटन पे ऑन सबमिट कैसे लगा सकते हैं? अच्छा, फॉर्म के बगैर अगर आप करना चाहें तो सर बटन पे ऑन क्लिक भी लग जाता है। बटन पे ऑन क्लिक होगा ना कि वो बटन के क्लिक होने पे वो फंक्शन चल जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। फिर एक मिसाल के तौर पे जैसे ये यूज़र इनपुट आउटपुट की बात कर रहे थे ना, तो इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, ये मैंने इसको ओपन कर लिया। अब इसमें ना मैंने जो इनपुट की फील्ड्स हैं इसमें वैलिडेशन लग जाती है, मिसाल के तौर पे रिक्वायर्ड कि भाई ये फील्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब जब तक मैं ये इनपुट दूंगा नहीं ना, ये इसको ये सबमिट नहीं करने देगा, रोक देगा मुझे, ठीक है। फिर उसके अलावा टाइप, जैसे नंबर है तो नंबर के अंदर मैं मिन, और मैंने कहा मिन जो है इसके अंदर ना वो 5 होगा, और मैक्स ऐसे करके लगा सकता हूँ, मैंने कहा मैक्स 10 होगा। तो इसके ऊपर और नीचे की वैल्यू ये देखो, अब मैं 5 से नीचे करूँगा ना, ये नीचे नहीं लाने देगा मुझे, ठीक है। या मैं हाथ से अगर 2 लिख देता हूँ और सबमिट करूँगा तो ये बोलेगा भाई 5 से नीचे पे सबमिट नहीं होगा। ये वैलिडेशन है, इसको बाईपास बहुत ईजिली किया जा सकता है। ये वैलिडेशन यूज़र एक्सपीरियंस के लिए होती है कि यूज़र को ना पता चले कि इस फील्ड पे क्या चाहिए पीछे। वैसे पीछे हम वैलिडेशन अलग से भी लगाते हैं जावास्क्रिप्ट में ना, कि भाई अगर यूज़र ने जो इनपुट दिया है अगर वो 5 से कम हो तो मना कर दो उसको, ठीक है, सम नहीं करो, जो भी चीज़ हम आगे करने लगे, तो वो तो एक्चुअली हम पीछे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, अदरवाइज़ यूज़र को पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ रिक्वायर्ड है क्या नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर ये फॉर्म का टैग नहीं होगा ना तो इनपुट पे ये रिक्वायर्ड काम नहीं करेगा। तो इसलिए चाहे एक फील्ड क्यों ना हो, आपको फॉर्म का टैग इस्तेमाल करना है। फिर बहुत सारे कंट्रोल्स और भी हैं इसके अलावा, जो आपको हमने वो डिस्कस नहीं किए क्लास में, क्योंकि HTML हमारा मेन टॉपिक नहीं है, हम जावास्क्रिप्ट और फिर आगे हम वॉइस पे मूव करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रोल्स हैं जो फॉर्म के अंदर ही आपको पॉसिबल होता है, जैसे फॉर्म को रीसेट करवाना। मिसाल के तौर पे एक रीसेट का बटन बना दिया कि उसको क्लिक करने पे फॉर्म खाली हो जाए पूरा, तो वो फॉर्म के बगैर आपके लिए बड़ा मसला है, प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा ये वाली, तो ये तो बात हो गई हमारी कुछ। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम ये डिस्कस कर रहे थे कि मेमोरी में वेरिएबल्स कैसे सेव होते हैं और बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है। तो ज़रा वो मैं खोल भी लेता हूँ ड्राइंग ऐप जो हम लास्ट यूज़ कर रहे थे, ताकि आप सब लोगों को रिकॉल हो जाए कि क्या बात हो रही थी। ये वो ड्राइंग है जो हम यूज़ कर रहे थे अपनी बातों को डिस्कस करने के लिए, याद है ना सब लोगों को? अच्छा तो बताओ ज़रा, मैंने पॉइंट वाले और माइनस प्लस वाले नंबर तो सेव करना इसमें नहीं बताया था। पॉइंट को वर्ड्स में कर देते हैं मुझे, नहीं तो पी ओ आई एन टी में तो बहुत बाइट लग जाएंगे, बहुत बाइट उसमें खर्च हो जाएंगे। बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा आप ज़रा दोबारा से रिपीट करें, क्या बता रहे थे आप? 32 बिट, ये बात वैसे मेरे समझ में नहीं आई कि सिग्निफिकेंट नंबर का क्या मतलब हुआ। अच्छा वेल, आपने मेन बात तो आपके समझ में आ गई। इन्होंने ये कहा कि जो एक पूरा बाइट होता है ना,
एक पूरा बाइट जो होता है वो 8 उसमें बिस्किट्स होती हैं, तो एक बिस्किट जो होती है ना सबसे इस तरफ वाली, सबसे यानी जो जिस पे 128 लिखा हुआ है, अगर एक बाइट है तो एक है, फिर अगर दो है तो फिर वो सबसे लास्ट वाला जिस पे वो 32,000 लिखा हुआ है ना वो वाला, उसको हम अलग कर देते हैं। उसके अंदर हम वैल्यू को हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास टोटल कितने हैं, 8 और 7, 8 × 2 = 16 होते हैं ना, तो 15 है हमारे पास, 16 नहीं है, एक कम है, हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। और वो अच्छा फ्लोट वेरिएबल जो है ना वो सी लैंग्वेज में 4 बाइट होता है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट का जो नंबर का वेरिएबल है वो 64 बिट का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है। सी लैंग्वेज में जो 64 बिट का होता है उसको डबल बोलते हैं, वो भी फ्लोट ही है, फ्लोटिंग पॉइंट ही होता है, लेकिन उसका नाम उन्होंने उसमें डबल रखा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपने जो वीडियो देखी होगी वो सी लैंग्वेज के परस्पेक्टिव में बात कर रहा होगा, क्योंकि ये टॉपिक डिस्कस भी उसी में ज़्यादा होता है, जावा स्क्रिप्ट में डिस्कस नहीं होती ये बात। मैंने जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी थी वो सी लैंग्वेज है, तो इस वजह से ये चीज़ें जो है वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि अगर ये पता हो तो बंदे को अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। वेल, तो जितने भी बाइट है हमारे पास, नो मैटर कि वो 4 है या 8 है या 64 है 32 है, एक उसमें से लास्ट वाला ना माइनस कर देते हैं। अच्छा, अब एक माइनस कर दिया लास्ट वाला तो अब कितने नंबर सेव होंगे इसमें? पहले 65,535 हो जाते थे ना 2 बाइट में, तो अब एक हटा दिया कितने हो गया? अब 32,000 इसमें सेव होंगे, 32,768 होंगे। और ये जो एक वेरिएबल है ना, इसको हम बोलेंगे कि अगर ये 1 है तो वो क्या है? पॉजिटिव है। अगर वो 0 है तो नेगेटिव। ये इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक बिट हमें क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस करना पड़ता है जस्ट फॉर साइन। अच्छा, सी लैंग्वेज में ना वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक होता है साइन, एक होता है अनसाइन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सारे साइन होते हैं, तो वो भी एक अपना अलग टॉपिक है उनका, वो सारे डेटा टाइप्स अलग अलग। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक ही वेरिएबल होता है और वो बाई डिफ़ॉल्ट उसमें वो साइन वेरिएबल ही होता है, उसमें वो प्लस माइनस के साइन को वो कैरी करता है, आप ना भी लिखो तो वो प्लस बाई डिफ़ॉल्ट समझता है। अच्छा, फिर जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है ना, पॉइंट वाले, उसको स्टोर करने का तरीका जो थोड़ा सा इतना सिंपल नहीं है जैसे ये ना कि एक बिट लगा दिया, उसमें असल में वो करते ही हैं कि उसको जी, आप ज़रा अपनी वर्डिंग दोबारा रिपीट करें, बड़ा अच्छा आपने बोला था। बिल्कुल, इन्होंने सही बोला। अच्छा, और भी कोई इस बारे में अपना ज़ाहिर ख्याल करना चाहे? क्योंकि असल मकसद ये है कि आप लोग बोलें ज़रा कि जो भी आपने रिसर्च किया आपने क्या, वैसे तो मैं बता ही दूंगा, मैं 2 जुमलों में बताऊंगा, करवर के नहीं दिखाऊंगा, वो हमारा आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, किसी और ने सर्च किया कि पॉइंट वाले नंबर कैसे स्टोर होते हैं? जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? ऐसा तो नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो लिमिट है ना उसकी, जो वो 15 डिजिट तक का नंबर शायद सेव कर लेता है जावास्क्रिप्ट, जो इसकी मैक्सिमम जो यानी जो भी 64 बिट के अंदर जो आते हैं 15 डिजिट तक सेव कर लेता है। बाय द वे, एक और मैं मज़े की बात बताऊँ, ये जो सामने आपके दिख रहा है ना 8 और 8 16 बिट्स दिख रहे हैं, जो ये 16 बिट के अंदर ना अगर मैं इस तरह से सेव कराऊँ तो कम नंबर सेव होते हैं। कितने सेव हो रहे हैं इसमें? 32,000 सेव हो रहे हैं, एक अगर मैं साइन के लिए हटा दूँ। इसी में अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर सेव करवाऊँ ना तो वो ज़्यादा नंबर सेव हो जाता है, वो शायद 1 मिलियन तक चला जाता है। कुछ ऐसी ट्रिक है, वो क्या ट्रिक है किसी ने डिस्कवर की हो अगर तो वो प्लीज़ बताएं। अच्छा, एक नोटेशन होती है किसी भी नंबर को लिखने की, अगर मैं गूगल पे जाके ज़्यादा बड़ा नंबर लिख दूँ ना, एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं शायद उसको, अगर मैं बहुत बड़ा नंबर लिख दूँ, मैंने कहा कि 1, 3, 2, 4, 5, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये मैं बहुत बड़ा मैंने नंबर लिख दिया, तो गूगल क्या करेगा? अच्छा, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने 2 से, तो गूगल मुझे क्या देगा? ये ना मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे देगा, ये समझ रहे हो? तो पॉइंट वाले नंबर जो है ना मेमोरी के अंदर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सेव किए जाते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जहाँ पे वो 65,000 आता है ना 2 बाइट के अंदर, वो 65,000 की जगह पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाता है, बहुत आगे निकल जाता है। ये फ्लोटिंग पॉइंट जो है ना, ये ट्रिक जो है इसको सेव करने की। अब इसमें कौन से वाले पे वो ये 2 लगाता है, फिर कौन से वाले पे ये 6, 4 लगाता है, फिर कौन से पे ये लगाता है कि पावर इसकी क्या होगी, वो आप
गूगल पे आपको मिल जाएगा बहुत ईजी कि वो कैसे इंटरनली करना होता है। मैं चाहता हूँ कि वो भी मैं डिस्कस करूँ, लेकिन वो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसमें, तो उसका फ़ायदा नहीं है। वेल तो ये तो हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई आपको ना एक आइडिया हो गया कि वेरिएबल जो हम बना रहे होते हैं ना धमाधम, वो पीछे बन के आ रहा होता है, कैसे हो रहा होता है सारा कुछ। अच्छा, अब हमने देखना है कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। आ जाते हैं जी हम आउटलाइन पर। हमने बूलियन पढ़ लिया है, नंबर पढ़ लिया है, स्ट्रिंग पढ़ लिया है, और एरे नहीं पढ़ा हमने अभी तक। अच्छा, ये प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये तमाम ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हमने पढ़ना है इफ एल्स आज के दिन, ठीक है। कोशिश करेंगे हम कि आज इफ एल्स को हम कंप्लीट कर लें, और फिर अगली क्लास में हम कंपैरिजन ऑपरेटर वगैरह की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, अब इफ एल्स क्या चीज़ है भाई? कंडीशंस हमें जब भी प्रोग्रामिंग में चेक करनी होती है ना, कंडीशन चेकिंग विथ इफ एल्स, अच्छा देखो, कोड लिखना हमेशा आखिरी काम होता है, सही है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई ऐप बनाते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ बनाते हैं, तो कोड लिखना सबसे आखिरी काम होता है। पहले ना आपके बनता है यहाँ पे लॉजिक कि करना क्या है, पूरा प्लान तैयार होता है पहले। अच्छा, अगर आप कोडिंग खोलेंगे ना, स्क्रीन खोल के आप बैठेंगे और फिर सोचना शुरू करेंगे, तो वो कभी भी नहीं बनेगा सॉफ्टवेयर, छोटा सॉफ्टवेयर भी नहीं बनेगा, सही है। तो आपको क्या करना होता है, इसको ना ऐसे बंद करके ना थोड़ी देर के लिए, प्लान पूरा जहन में रेडी होना चाहिए आपको कि करना क्या है एग्जैक्टली, और अगर पेपर पे लिखा हो तो फिर और बेहतर है और अच्छा है। अच्छा, तो ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि ये कंडीशन चेकिंग है, कंडीशन चेकिंग क्या है और प्रोग्रामिंग में हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके लिए हमें समझना होगा कि क्या रियल लाइफ में भी हम ये कंडीशन चेकिंग कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, और बात बड़ी ऑब्वियस है लेकिन वो रियलाइजेशन की बात है, तो मैं आपको रियलाइज़ करवाऊंगा वो चीज़ें जो आप पहले से जानते हैं। मिसाल के तौर पे, मैं अभी घर से निकल रहा था यहाँ आने के लिए। अच्छा, तो अब घर से निकलते हुए क्या मुझे जैकेट लेके निकलना चाहिए, क्या मुझे जैकेट लेके निकलना चाहिए, क्यों? गर्मी हो रही है। या चलो उससे भी थोड़ा पीछे चले जाओ, मैं कपड़े चूज़ कर रहा हूँ कि आज मुझे कौन सा कपड़ा पहनना है, तो मुझे कौन सा कलर चूज़ करना चाहिए, जो भी अवेलेबल कलर्स हैं मेरे पास, लाइट कलर चूज़ करना चाहिए, क्यों? क्योंकि गर्मी है, गर्मी में जो लाइट कलर होता है, बाय द वे उसकी बात यह है कि ये जो आपको मैंने शर्ट पहनी हुई है ना वाइट, ये वाइट इस वजह से दिख रही है कि जो भी लाइट इसके ऊपर पड़ती है ये तमाम की तमाम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, अंदर दाखिल नहीं होने देता, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और यही वजह है रेनबो के सारे कलर मिक्स करें ना तो वाइट बनता है, तो ये रेनबो के सारे कलर रिफ्लेक्ट कर देता है। जब भी आपको ये यहाँ पे पड़ रही है लाइट और टकरा के आपकी आँखों में जा रही है, रेनबो के तमाम कलर आपकी आँखों में एक साथ जा रहे हैं, इसलिए आपको ये वाइट दिख रहा है, ठीक है। और यही वजह है कि धूप में या गर्मी में, क्योंकि हीट भी जो होती है वो काइंड ऑफ एक लाइट की तरह ही होती है चीज़, हीट जो होती है वो रेनबो के, एक तो सात कलर है ना, सात कलर से पहले और बाद में भी कुछ कलर्स हैं, वो एक जो अभी आपके जो एक्स रे है, माइक्रोवेव है, ये भी वो रेनबो के स्पेक्ट्रम में ही आ रहा होता है, लाइट स्पेक्ट्रम में आता है, तो जो हीट है वो भी एक्चुअली उस स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, तो उस स्पेक्ट्रम को भी अंदर एंटर नहीं होने देता, इसलिए ये आपको वाइट दिख रहा है, और इसीलिए गर्मियों में लाइट कलर पहने जाते हैं। अच्छा, तो मेरे पास ब्लैक कलर मुझे बड़ा पसंद है, ग्रे कलर बड़ा पसंद है, लेकिन जब मुझे पता है कि आज गर्मी है तो मैं कौन सा कलर चूज़ करने की कोशिश करूँगा, लाइट कलर। तो ये मैंने एक डिसीजन लिया कि मैंने आज कौन सा कलर पहनना है, लाइट कलर पहनना है। अच्छा, क्या मैं छतरी या रेनकोट लेकर निकलूँ, क्यों? कल तो हुई थी,
कल तो हुई थी बारिश और अचानक हुई थी। अच्छा, एक आइडियल केस में मैं घर से निकलने से पहले मैं वेदर ऐप खोल के ना वो चेक करूँगा प्रसिपिटेशन। अच्छा, इसमें वेदर ऐप वो उस तरह से शो नहीं हो रहा। वेदर ऐप खोलते हैं, देखते हैं प्रसिपिटेशन क्या बता रहा है। हाँ, कल तो वो क्लाउड ब्रस्ट हुआ था ना, अचानक हो गया था। अच्छा, अरे क्या क्या खोल दिया इसने, आवरली फॉरकास्ट ये चाहिए ना मुझे, ऐड दिखा रहा है, देख लो ज़रा। अच्छा, ये आवरली फॉरकास्ट आ गया हमारा, पार्शली क्लाउडी पार्शली क्लाउडी, ठीक है, कोई ख़ास रेन की प्रेडिक्शन इसने की भी नहीं है। और ये क्या है जो 2% आ रहा है, 2% 2% पता नहीं क्या है ये 2%। प्रसिपिटेशन लिखना चाहिए ना इनको यार, लिख क्यों नहीं रही है। वेल, उनको लग रहा होगा कि बंदे बड़े समझदार हैं, देख के समझ जाएंगे। तो 2-3% चांस है रेन का, 7% चांस है। अच्छा, ये तो उन दिनों की बात हो गई ना कि बारिशें नहीं हो रही हैं, कुछ ऐसा भी पिछले दिनों टाइम गुजरा है कि वो डेली बेसिस पे बारिशें हो रही होती थी। अब हमें पता था कि इस पूरे वीक में क्या है, बारिश के प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है। अगर मैंने जैसे अभी ऐप खोली, पूरे वीक में बारिश की प्रेडिक्शन आ रही है 40-50% तक, तो मुझे पता चल गया। असल में मोबाइल फ़ोन में ना थोड़ा ज़्यादा सही दिखता है, यहाँ पर ठीक दिख नहीं रहा, तो मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ। मोबाइल फ़ोन में जो है ना वो सही है। अबे हाँ, ये देख रहे हो, ये पूरे वीक का ना मुझे बता रहा है, ये टुडे मंडे ट्यूसडे। अच्छा, ट्यूसडे को 30% है वो नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है। मे बी ये ग्लिच हो गया हो या मे बी। अच्छा, ये आवरली आ रहा है टॉप पे जो है। तो मैं आइडियल केस में, एक आइडियल केस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसमें मैं क्या करूँगा, मैं घर से निकलते हुए ये चेक करूँगा कि यार रात तक कोई बारिश बारिश तो नहीं है, और फिर मैं डिसीजन लूँगा कि मैंने रेनकोट लेना है साथ में या नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, एक और क्लासिक डेफिनेशन, एक और आइडियल कंडीशन के मुझे हेयर ड्रेसर के पास कब जाना है। आज संडे का दिन है, आज सुबह के वक्त मैं फ्री था, तो मैंने कहा यार टाइम मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं शीशे के आगे खड़ा हुआ जाके मैंने कहा यार क्या मुझे हेयर ड्रेसर के पास जाने की ज़रूरत है, क्या ख्याल है, अभी तो नहीं है, ठीक ठाक ही लग रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि हेयर ड्रेसर के पास नहीं जाना है। अच्छा, तो इस तरह ना डेली बेसिस पे हम बहुत सारे डिसीजंस ले रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब मैं घर से निकला तो मैंने मीटर चेक किया क्या कितना चल गया, फ्यूल होगा इतना कि मैं आना जाना कर लूँगा, तो मैंने कहा ठीक है फ्यूल है तो फ्यूल कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हम डेली बेसिस पे सुबह से लेकर शाम तक कई हज़ार डिसीजंस ले रहे होते हैं, और छोटे छोटे डेटा पे छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं। अच्छा, बाय द वे, जो ये इंसान जो है ना एक दिन में लिमिटेड नंबर ऑफ डिसीजंस ले सकता है, ये अनलिमिटेड भी नहीं है ये नंबर। तो जो लोग ज़्यादा चूज़ी होते हैं ना कि यार मैं आज क्या पहनूँ, मैं आज कहाँ जाऊँ, मैं आज क्या करूँ, तो वो फिर ज़्यादा क्रिएटिव कुछ कर नहीं पाते ज़िंदगी में, क्योंकि वो उसी में उलझ के रह जाते हैं। क्योंकि ये जो नंबर ऑफ़ डिसीजंस मैं ले रहा हूँ ना दिन में, ये भी लिमिटेड है। आपने ये देखा होगा स्टीव जॉब्स को, अभी तो खैर वो शायद इंतकाल हो गया उसका, लेकिन वो जब भी आता था ना स्टेज पर, आप उसके पुराने इवेंट्स वगैरह स्पीचेस देखेंगे, तो जब भी स्टेज पर आता था उसने एक ही कपड़ा पहना हुआ होता था, है ना, वो एक हाई नेक सा, उस ब्लैक सा, क्योंकि वहाँ ठंड होती है ज़्यादा, तो वो हाई नेक सा एक और एक फालतू सी जीन्स, मतलब मुझे तो लगता था क्या बन के घूमता रहता है, सीईओ है इतनी बड़ी कंपनी का, और कोई ज्वेलरी नहीं, कुछ भी नहीं हाथ में, जेबें खाली, बिल्कुल सुपर, और शूज़ एक फिक्स शूज़ थे उसके, वही पहनता था वो। तो वो उसने असल में ये किया हुआ था कि एक दफ़ा ना अच्छे से सोच समझ के कि मेरी बॉडी में कौन सा कपड़ा फिट आता है, बेस्ट आता है, मनूवरेबल रहता है और मेरे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट रहता है, उस एक बार ना डिज़ाइनर के साथ बैठ के सोच समझ के सिलवा लिया था उसके, पता नहीं 200-500 कॉपियाँ सिलवा ली थी उसने, और रोज़ सुबह उसी में से पहनना है, कोई चॉइस है ही नहीं, एक बार सोच लिया ना बेस्ट क्या होगा। तो
तो ऐसा बोला जाता है कि उसने एक डिसीजन बचाने के लिए किया था कि मुझे सुबह उठ के ना ये सोचना ना पड़े कि मैं आज क्या पहनूं, क्योंकि एक डिसीजन उसमें पूरा हो गया। तो बेहतर ये है कि वो एक डिसीजन मैं वहाँ से बचा के ना अपने बिजनेस के लिए कोई बेहतर डिसीजन लूँ जिससे मैं प्रोग्रेस करूँ मजीद आगे। तो ऐसा बोला जाता है और उसको ये लोग सब कॉपी करते हैं अभी। मतलब मार्क ज़करबर्ग को भी आप देखें, वो भी एक ही टी शर्ट पहन के आया होता है रोज़। अब वो भले कोई मेटावर्स का इवेंट हो, कुछ भी हो, वो फेसबुक पे लाइव भी आता ना तो वही टी शर्ट एक ही होती है उसकी। तो मतलब ऐसे लोग ट्रॉल भी करते हैं कि एक ही टी शर्ट पहनने से बंदा स्टीव जॉब्स नहीं बन जाता। सब लोग ये करते हैं, बिल गेट्स को भी आप देखें वो भी यही कर रहा होता है। तो वेल, तो बात हो रही थी डिसीजन की। अच्छा, प्रोग्रामिंग में भी ना हमें, सॉफ्टवेयर में हमें डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ती है बहुत दफ़ा। मिसाल के तौर पर अभी जैसे कुछ वेबसाइट मैं खोलूँगा ना वो डायरेक्ट ब्लैक में खुलेगी। जैसे ये यूट्यूब खुला हुआ है मेरे पास, ये डार्क में खुला हुआ है, ब्लैक में, क्योंकि मेरे पास सिस्टम पर ब्लैक डार्क मोड ऑन है। सिस्टम का डार्क मोड ऑफ होगा ना, ये ऑटोमेटिक ब्राइट में खुलेगा। अच्छा, तो इस तरह ना बहुत सारे डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे आप कोई बैंक की एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई बैंक की एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, उसके अंदर क्या होगा कि किसी ने पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, उसने लिखा 10,000 ट्रांसफ़र टू फला फला अकाउंट नंबर, ओके किया। अब ये प्रोसेस पीछे कैसे चल रहा होगा, एक इमेजिन करो, सोचो। कंडीशन सबसे पहले क्या चेक होगी कि आया कि इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे मौजूद है भी या नहीं है, ठीक है। मतलब जो भी ट्रांसफ़र किया है उतना या उससे ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वहीं पे वो मना कर देगा, इनसफिशिएंट बैलेंस, और आपको वहीं पे रोक देगा। अच्छा, अगर ये कंडीशन पूरी हो गई, चेक हो गया कि हाँ यार इस बंदे के अकाउंट में इतना बैलेंस मौजूद है, अच्छा उसके बाद फिर क्या होगा अगला? अगला कंडीशन बताओ। एग्जैक्टली, जो इस अकाउंट में भेज रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है सिस्टम पे या नहीं करता एग्जिस्ट? क्योंकि जैसे ही आप अकाउंट नंबर लिख के जब नेक्स्ट करते हैं तो उस बंदे का नाम और उसका वो आ जाता है, ब्रांच का कुछ वो फैच कर लेता है वहाँ से। तो वो ज़ाहिर है वो सिस्टम पे फैच करेगा कि यार ये मौजूद है भी अकाउंट या नहीं है, सही। अगर इनएक्टिव होगा तो ज़ाहिर है उस पर वो शो नहीं करेगा, फिर फैच नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया अगला काम। अब तीसरा, नहीं अभी तीन चार और कंडीशंस इसमें चेक होंगी। आगे सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये चेक होनी चाहिए। पर्पस तो वो साइड नोट्स के लिए होता है, वो ऐसे ही कॉलम दिया हुआ होता है। और क्या कंडीशन चेक होगी ट्रांसफ़र करने से पहले पहले? वेरिफिकेशन किस चीज़ की? हाँ, OTP भी भेजते हैं, लेकिन OTP भी लास्ट स्टेप है, उससे पहले चेक होगा। उससे पहले भी एक दो चीज़ें चेक होंगी। OTP सही कह रहा है, OTP भेज के वो मैच किया जाएगा। हाँ, वो तो हमने पहला के चेक कर लिया ना कि जो भेजने वाला है सेंडर है उसके अकाउंट में पैसे इतने होने चाहिए। अच्छा, जो पैसे जब भेजते हैं हम एक बैंक से दूसरे बैंक, तो कुछ चार्जेस कटते हैं ना, और वो चार्जेस कितने कटते हैं? वो चार्जेस कितने कटते हैं बताओ मुझे, पूरा क्राइटेरिया समझाओ। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, 25,000 से अगर नीचे है तो कोई चार्जेस नहीं है। तो अब कितने, यानी भेजने वाले के अकाउंट से कितने पैसे डिटेक्ट करने हैं? एक तो वो 10,000 भेज रहा है, वो तो होंगे डिटेक्ट, उसके अलावा चार्जेस भी तो साथ साथ डिटेक्ट होंगे ना। तो अब ये भी फिगर आउट करना है। तो सबसे पहले क्या चेक हुआ कि जो ये अमाउंट भेज रहा है सेंडर, क्या ये 25,000 से कम है या ज़्यादा है? अगर 25,000 से कम है, जो कि ऑब्वियसली है, 10,000 तो कम होता है 25 से, तो ज़ीरो चार्जेस है। अदरवाइज़ अगर इससे ज़्यादा होते तो कई दो चार कंडीशंस और भी हैं, क्योंकि वो परसेंटेज कैलकुलेट, वो परसेंटेज भी शायद चेंज होता है, 1,00,000 के बाद थोड़ा चेंज हो जाता है शायद, मे बी, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन ऐसा है कुछ। अच्छा, मेरे क्योंकि वो कटते नहीं है क्योंकि मैं फाइलर हूँ, फाइलर्स के वो नहीं। हाँ, ये भी चेक होगा कि ये बंदा क्या, इसने फाइलर मेंशन किया हुआ है, तो वो फाइलर साल में ख़ुद फाइल करता है साल के आखिर में कि कितना उसने जो भी किया, तो वो बैंक वाले डायरेक्ट नहीं कटते उसके।
तो ये चेक होगा कि फाइलर है, उस सूरत में भी जीरो है। अरे भाई बड़े लोगों को याद आ रहा हूँ मैं आज, पता नहीं क्या सुन रहा, साइलेंट बोल रहा था। अच्छा अब देख लो कितनी चीज़ें चेक हो रही हैं, और ये एक चुटकी में हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। अच्छा फिर ये टैक्स वाला चेक हो गया, जो भी डिसीजन लिया उसने दो तीन कंडीशन लगा के वो एक टैक्स उसके साथ इंक्लूड कर दिया, और क्या चेक होगा? अच्छा एक चार्जेस और भी घटते हैं, IBFT चार्जेस। जब आप एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजते हैं तो 100 रुपये तो वैसे भी कटते हैं ना अलग से, ये नहीं कटते। इंटर बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो 100 रुपये कटते हैं IBFT चार्जेस, ठीक है, इंटर बैंक ट्रांसफ़र। अगर इंट्रा बैंक है फिर वो मसला नहीं होता, मतलब मीज़ान टू मीज़ान कर रहे हैं तो फिर कोई चार्जेस नहीं होते, लेकिन अगर मीज़ान से आप फैसल बैंक में कर रहे हैं तो आपके IBFT चार्जेस कटते हैं, राइट। अभी कोविड में इन्होंने उसको वेव किया हुआ था, ख़त्म किया हुआ था, लेकिन अभी दोबारा शुरू हो गया है, ऐसा ही है ना। तुम लोग पार्ट तो लो क्लास में, ऐसे ब्लैंक क्यों हुए हो? थोड़ा आसान कर देते हैं, थोड़ा आसान कर देते हैं, छोड़ दो अभी बैंक ट्रांसफ़र को, छोड़ दो। ATM पे गए हो, ATM तो सब लोगों ने यूज़ किया होगा ना। ATM पे गए, कार्ड एंटर किया अपना, सबसे पहले क्या चेक करेगा आपका वो? पासवर्ड तो बाद में मांगेगा वो, पहले हाँ वो पहले कार्ड को रीड करेगा, कार्ड को रीड करके वो देखेगा वैलिड वैलिड है, हाँ भाई कार्ड एक्सेप्ट हो गया, अदरवाइज़ वो कार्ड बाहर भी आ जाता है, वो आपसे पिन पूछेगा ही नहीं, ठीक है, अगर सेम बैंक में है तो। अदरवाइज अगर अदर बैंक में ना तो फिर वो क्या करता है, वो सब पूछ पूछ के एक ही दफ़ा रिक्वेस्ट भेजता है, तो लेकिन अगर सेम बैंक में वो पहले ही चेक कर लेगा। वेल तो हम बल्कि शुरू करते हैं पिन डालने से, पिन एंटर किया आपने, वो पिन मैच करेगा, पिन करेक्ट होगा तो आपको मेन्यू पे ले जाएगा, पिन इनकरेक्ट होगा तो वो मना कर देगा, तो पहली कंडीशन तो यही चेक होगी। अच्छा दूसरी कंडीशन, वो आपसे मेन्यू कुछ दे देगा, आपको कहेगा इसमें से सेलेक्ट करो, आप किसी एक चीज़ पे सेलेक्ट करेंगे तो एक दूसरी स्क्रीन पे ले जाता है, किसी दूसरे पे करेंगे तो दूसरी स्क्रीन पे ले जाता है, ये भी कंडीशन के जरिए हो रहा होता है। फिर वो आपसे पूछेगा कि कितने बैलेंस निकाल, पैसे कितने निकालने हैं आपको, आपने कहा मुझे 10,000 निकालने हैं, ठीक है, हाँ रसीद का भी पूछता है, आपने दोनों पे यस कर दिया, तब वो पहले क्या चेक करेगा? 10,000 आपके पास होने चाहिए, और अगर आप दूसरे ATM में हैं तो वो 25-30 रुपये अलग से जो कटते हैं, वो भी कंडीशन हम देख चुके हैं कि वो कैसे लगेगी पीछे। उसके बाद पैसे उसने निकाल दिए, पैसे बाहर निकलने के बाद फिर वो चेक करेगा कि आपने रसीद के लिए यस बोला था या नो बोला था, कंडीशन है ना ये, बाकायदा डिसीजन है, क्योंकि फिज़िकल एक प्रिंट हो रहा है पर्ची, अगर आप नो बोलेंगे तो वो नहीं होगा, और अगर आप यस बोलेंगे तो वो होगा। तो इतनी सारी कंडीशन ना किसी भी छोटे से छोटे सॉफ्टवेयर के अंदर, सारी कंडीशन का गेम है, ठीक है, कंडीशंस लग रही होती हैं और कंडीशन के बेस पे ही सारा काम हो रहा होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है ना वो नाम ही कंडीशन चेकिंग का है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे कि पीछे आपके AC रखा हुआ है, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर इस AC के अंदर भी लगा हुआ है, जो इस AC के जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है कि भाई कितनी देर तक कंप्रेशर को ऑन रखना है, क्या करना है। तो मिसाल के तौर पर मैंने रिमोट के ऊपर बटन प्रेस किया कि इसको किस पर सेट कर दो, 26 डिग्री पे सेट कर दो, जो कि हम कभी भी नहीं करते हैं, लेकिन रेकमेंडेड यही होता है कि 26 डिग्री पे सेट किया जाए, उसमें बेस्ट परफॉर्म करता है कोई भी इसी, अगर आप 26 पे सेट करें उसको, यानी इस रीजन की बात कर रहा हूँ। तो अब वो क्या करता है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है, उसमें एक सेंसर होता है जो टेम्परेचर को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है कि हवा जो इनपुट आ रही है ना, आपको पता है AC में पीछे से हवा को इनपुट ले रहा होता है और फ्रंट से वो फिर फेंक रहा होता है बाहर, तो वो जहाँ से हवा इनपुट आ रही होती है ना वहाँ पे सेंसर लगा हुआ होता है, और वहाँ जो हवा का जो टेम्परेचर है वो जाहिर है रूम का जो टेम्परेचर होगा वो वहाँ पे हवा का टेम्परेचर होगा, उसको वो कंटिन्यूसली देखता रहता है कि अगर वो 26 है तब तक वो AC को चलाता है, जैसे वो 25 होता है ना AC ट्रिप हो जाता है, यानी उसका कंप्रेशर चलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो वो एक हर क्या मेरे ख्याल है हर 5 सेकंड बाद या हर 10 सेकंड बाद उसको चेक करता होगा वो कि अभी इसका टेम्परेचर क्या है, या 1 मिनट बाद करता होगा, डजेंट मैटर कि कितनी देर बात करता है, लेकिन हर थोड़ी देर में करता होगा। तो अगर 26 या उससे ज़्यादा अगर है रूम का टेम्परेचर तो वो चल रहा है डॉक्टर, जैसे ही 25 होगा ना वो वैसे ही वो AC ट्रिप हो जाएगा। अच्छा फिर कब तक ट्रिप रहेगा? जब तक टेम्परेचर 26 है, 26 से जैसे ही 27 होगा वो दोबारा चल पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि वो ट्रिप कर देता है लेकिन कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग जारी रखता है पीछे। अच्छा और ये जब तक 8 घंटे 10 घंटे जब तक AC चलेगा वो जब तक कंडीशन को चेक करता रहेगा, समझ लो।
तो हमने ये देखा कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता जिसमें कंडीशन चेक ना होती हो। अच्छा, कोई सॉफ्टवेयर का तुम लोग नाम बताओ जो डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, उसको ज़रा एनालाइज करते हैं। आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, बोलो ना जोर से बोलो। हाँ, फ्रिज में भी होता है, फ्रिज में थोड़ा मैनुअल होता है, लेकिन अभी वो जदीद वाले फ्रिज हैं वो तो महंगे वाले, उनका नहीं मुझे पता, लेकिन हमारे हाउस होल्ड में जो चलता है ना हायर वगैरह का डॉलेंस का फ्रिज, उसमें काइंड ऑफ वो मैनुअल होता है, उसमें अंदर एक चक्री लगी हुई होती है, उसको घुमाओ, वो ट्रिप व्रिप नहीं होता, वो डीले होता है एक सर्टन, क्योंकि वो तो 24 घंटे चलने के लिए बना है ना, वो एक सर्टन डीले होता है। अगर आप उसको 3 पे सेट करेंगे, 7 मैक्सिमम मिसाल के तौर पर, तो आप 3 पे सेट करेंगे तो वो क्या करता है, जितनी देर चलाता है उतनी देर पर बंद भी रखता है, 5-5 मिनट चलाता है, 5 मिनट बंद रखता है, तो मतलब वो काइंड ऑफ डिफरेंट है थोड़ा। हाँ, लेकिन वो जो महंगे वाले हैं ना, जो $70,000 वाला जो वो अलमारी वाला जो फ्रिज होता है, उसका मैं कह नहीं सकता कि उसमें वो क्या करते हैं। हाँ, मोबाइल नहीं, मोबाइल तो कंप्यूटर है ना, उसमें जो ऐप चल रही है वो सॉफ्टवेयर, तो किसी ऐप का नाम बताओ। जैसे फेसबुक का जिक्र किया आपने, तो फेसबुक भी जब आप ओपन करते हैं सबसे पहले, तो आप क्या करते हैं, ईमेल और पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन का बटन दबाते हैं। अब ये ईमेल और पासवर्ड लेके वो कहाँ जाते हैं, तो उनका कोई ना कोई डेटाबेस होगा, हम भी इंशाल्लाह डेटाबेस पढ़ेंगे इस क्लास में, लॉगिन साइन अप हम बनाकर देखेंगे अगर मौका मिला तो, ठीक है। वैसे तो लॉगिन साइन अप नहीं है हमारा, क्योंकि वो वेब का कोर्स नहीं है ये हमारा, अभी भेज दूंगा। तो वो ईमेल पासवर्ड लेके जाएगा सर्वर पे और डेटाबेस से वो मैच करेगा कि यार इस नाम से कोई यूज़र मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो आपको वो डैशबोर्ड पे ले जाता है, और अगर वो मौजूद नहीं है, पासवर्ड मैच नहीं हो रहा या ईमेल मैच नहीं हो रहा, तो आपको इनकरेक्ट पासवर्ड बना देता है। तो हमने ये एग्जांपल्स देखी हैं कुछ, कि रियल लाइफ में भी हम डिसीजन लेते हैं सुबह से शाम तक, और कोई और सॉफ्टवेयर भी जितने हैं उसमें भी हमने ऐसे थोड़ा सा उसको रियलाइज़ करके देखा कि सॉफ्टवेयर में कहाँ कहाँ पर ऐसा होता होगा कि वो कंडीशन चेक करता होगा। अच्छा, अब वो कंडीशन प्रोग्रामिंग में उसका कोड अभी हम लिख कर देखते हैं कि वो प्रोग्रामिंग में हम कैसे चेक करेंगे, पहली कंडीशन अपनी कैसे चेक करेंगे। आप सब लोग अभी नमाज़ पढ़ के आ गए, फिर हम यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं, कोडिंग शुरू करते हैं। ऐसा है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले कीवर्ड होगा इफ़, ठीक है, उस कीवर्ड इफ़ के बाद गोल ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है। अच्छा, इस गोल ब्रैकेट के दरमियान में इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एक अदद बूलियन, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इसको फ़िलहाल दे दिया ट्रू, हाथ से मैंने इसमें ट्रू लिखा हुआ, और यहाँ पे इसको ट्रू मिल गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसकी बॉडी है, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर मैंने एक कंसोल डॉट लॉग लगा दिया, आई एम इफ बॉडी, कि इफ़ की मैं बॉडी हूँ, कंसोल पे ये प्रिंट होगा। अगर इस गोल ब्रैकेट में इसको ट्रू मिला तो ये बॉडी को रन कर देगा, अगर इसको यहाँ पे फॉल्स मिला तो ये बॉडी को रन नहीं करेगा। ये इतना सिंपल है इफ़ जो है क्या है, इतना सिंपल है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अभी ट्रू है तो ये चलना चाहिए, कॉन्सोल पे आ जाना चाहिए आई एम इफ बॉडी। चला के देखते हैं इसको, मैं जाता हूँ जी कॉन्सोल पे और रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो लिखा हुआ जाता है आई एम इफ बॉडी। अच्छा, यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स, तो क्या हो जाएगा अब ये, अब वो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा स्क्रीन पे, क्योंकि जब यहाँ पे फॉल्स मिलता है तो ये इतने कोड को स्किप करके और डायरेक्ट ये लाइन नंबर 20 में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई सवाल किसी का जी, अभी मैं आ रहा हूँ ना, अभी तो हमने सिंटैक्स देखा है कि इसका सिंटैक्स क्या है, अभी कंडीशन चेक करना हमने नहीं सीखा कि कंडीशन कैसे चेक, अभी तो सिंटैक्स देखा है कि इफ़ का ये सिंटैक्स है, ऐसे लिखेंगे तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो सवाल है मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि ये जो फॉल्स मैंने अभी लिखा है ना हाथ से, तो क्या ये कभी इफ़ ये ट्रू होगा, कभी भी नहीं होगा, ये तो मैंने हाथ से फॉल्स लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, या अगर मैं ट्रू लिख दूँ मिसाल के तौर पर, तो फिर ये फॉल्स नहीं होगा कभी, वो हर दफ़ा ही ट्रू चलेगा, जितनी बार मैं कोड को रन करूँगा ये ट्रू रहेगा, ये तो फॉल्स होगा ही नहीं।
ठीक है। तो आमतौर पर क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, और वो कंडीशन किस पे बेस कर रही होती है, यूज़र के इनपुट पे मोस्ट ऑफ द टाइम बेस कर रही होती है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट टेम्परेचर इक्वल्स टू 25, ठीक है। मैंने यूज़र से इनपुट लिया, इमेजिन कर लेते हैं कि ये यूज़र से आ रहा है इनपुट, अभी तो मैंने वेरिएबल हाथ से बनाया हुआ है, लेकिन ये यूज़र से भी ले सकते हैं ना इनपुट, ये हमने इनपुट आउटपुट देख लिया कि कैसे आता है। तो मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, उसमें टेम्परेचर लिखने की का खाना बना हुआ है, सबमिट दबाता हूँ तो ये वेरिएबल में डेटा उठ के आ जाता है, ठीक है। अभी हम ये इमेजिनेशन पर चल रहे हैं। अब इस डेटा के साथ जो मैं करूँगा ना आगे, तो उस पर क्या होगा फिर, अब कभी ये कंडीशन ट्रू भी होगी, कभी फॉल्स भी होगी। अच्छा, तो ये इफ के में किसी का कोई सवाल तो नहीं है ना जितना। अब इसके अंदर मैं ये ट्रू फॉल्स की जगह क्या लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा टेम्प क्या होना चाहिए, अगर लेस है 25 से, ठीक है। तो मैं प्रिंट करवा देता हूँ इट्स कोल्ड, क्योंकि हमारी कंट्री में अगर 25 से कम हो जाए तो सर्दी आ जाती है, ऐसा ही है ना। अभी अभी क्या टेम्परेचर है हमारा, 30 डिग्री, मतलब नॉर्मल चल रहा है हमारा, सारे खुश हैं लोग कि भाई गर्मी नहीं है, आज गर्मी थी, आज 30 है अभी तो, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया टेम्परेचर, 32-33 तक गया है आज शायद। वेल, तो गोरों को भाई ना गर्मी बड़ी पसंद होती है, हाँ गोरों को गर्मी बड़ी पसंद होती है ना, तो यानी ऐसे अक्सर क्योंकि बातचीत रहती है ना थोड़ी, जब ज़्यादा लंबी मीटिंग वीटिंग होती है तो इधर उधर की बातें भी खुलती हैं फिर, तो अक्सर ही हमारे यहाँ गर्मी होती है तो मैं पसीने आ रहा था भाई बड़ी गर्मी है, वो कहते हैं यार आई लाइक समर, गोरे कह रहे हैं, हाँ गोरे कह रहे हैं आई लाइक समर। अच्छा मेरे मुझे शदीद गुस्सा है जब ये वो कहे ना कोई गोरा मेरे से कह रहा आई लाइक समर, मुझे बड़ा शदीद गुस्सा है कि यार ये क्या वाहियात बात कर रहा है, कभी आगे देख पता चले तुझे। तो एक दफ़ा मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो वो लिबनान से, तो स्टूडेंट में थोड़ा होता है ना कि बंदा पूछ भी लेता है सामने से, तो उसने भी यही बात बोली कि आई लाइक समर, मैंने कहा यार समर क्यों, कह रही है कि समर में जो है ना थोड़े कपड़े वपड़े सही पहन लेते हैं हम, ज़्यादा वो हैवी कपड़े नहीं पहनने पड़ते, वरना ये जैकेट वैकेट कैरी करना बड़ा इशू रहता है, फिर वो मतलब जैसे होता है ना खुले वाली कार में भी घूम लेते हैं, थोड़ा वॉक वॉक कर लेते हैं, वरना ठंड में तो बाहर निकलने में थोड़ा देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। मैंने कहा यार हो सकता है भाई, मैंने कहा फिर और भी, ये तो कोई ख़ास रीज़न नहीं है, ये तो सर्दी में भी कर ही लेता है बंदा, तो उसने मुझे और भी दो चार बताया, मैं कन्वेंस नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं नहीं भाई। अच्छा मैंने कहा कितनी गर्मी हो तो पसंद है, उसने कहा 23 हो 24। मैंने कहा अभी कितना है, करिए अभी 10 डिग्री है, मैंने कहा सही है, करिए अभी आएंगी गर्मियाँ थोड़ी, अभी 18-20 तक होगा ना तो गर्मियाँ आ जाएंगी, मैंने कहा वाह तालियाँ। मैंने कहा ये गर्मी तो मुझे भी बहुत पसंद है, मतलब देखो दोनों एसी चल रहे हैं, 28 डिग्री है यहाँ, 30 है वहाँ 28 है, 2 डिग्री का फ़र्क है, तो ये 28 में भी मैं खुश है कितना, और वो तो 28 में पता नहीं क्या करेंगे, 24 में गर्मी आ जाती है उनके, वो सब उतार देते हैं जैकेट वैकेट सब। हम तो अभी 25 पे होगा तो हम जैकेटें पहन लेंगे फौरन। वेल, तो उनको गर्मी पसंद है लेकिन 23-24 वाली गर्मी पसंद है, हमारे यहाँ गर्मी होती है 42। अच्छा, तो मुझे चेक ये करना है कोई ऐसी मतलब जगह है, कोई बिल्डिंग है जिसमें दाखिल हो रहा है बंदा, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें मुझे क्या करना है, चेक करना है कि आया कि इट्स कोल्ड और इट्स हॉट, सही है, ये चेक करना है मुझे, और उसके बेस पे कोई डिसीजन मोस्ट प्रॉब्ली लूंगा मैं। ये तो एक छोटा सा है, क्योंकि हमने देखा ATM से विड्रॉ करने पे कोई 10 के करीब कंडीशन चेक हो रही है, तो उसमें से ये एक कंडीशन है मिसाल के तौर पर। मे भी अगर गर्मी ज़्यादा हो तो हम ATM से लाल लाल नोट निकाल कर दें या वाइट वाइट नोट निकाल के दें कि भाई गर्मी है लाइट कलर। वेल, तो ये मजाक की बात हो गई। अब देखें ये जो है ना, ये क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसके जो बीच में लगा हुआ है ना ये वाला, ये जो ऐसे एंगल ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। अच्छा, हमने प्लस का ऑपरेटर पढ़ा है, हमने माइनस का ऑपरेटर पढ़ा है। प्लस का ऑपरेटर क्या करता है, अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अगर 2 है और बीच में लगा हुआ है प्लस, तो ये दोनों मिलके मुझे क्या रिटर्न करता है, 4 रिटर्न करता है।
अच्छा ऑन अदर एंड अगर कंपैरिजन ऑपरेटर की बात आ जाए कि फोर एक तरफ लिखा हुआ है और एक तरफ कंपैरिजन ऑपरेटर है दूसरी तरफ फाइव है, तो ये दोनों मिलके मुझे क्या रिटर्न करते हैं? बूलियन रिटर्न करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा मुझे क्या रिटर्न करता है? बूलियन। नो मैटर व्हाट, जो मर्जी हो जाए बूलियन ही रिटर्न करेगा, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ उसको रिटर्न करना नहीं आती है। अच्छा तो अब इस केस में क्या मुझे करेगा ये, ट्रू या फॉल्स? अच्छा ये ऐसे डिसाइड होता है, देखें इस तरफ फोर है और ये लेस देन का ऑपरेटर है, इमेजिन करो कि इक्वल टू का निशान था ये, इक्वल टू का, और एक तरफ से ना इक्वल टू को मैंने पिंच कर दिया कि यार ये वाला जो है वो छोटा है, इस तरफ वाला ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये जो ऑपरेटर है ये इंडिकेटर है कि एक तरफ छोटी वैल्यू है एक तरफ बड़ी वैल्यू है, तो अगर अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर इधर छोटी और इधर बड़ी है वैल्यू, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर इसको मैं अंग्रेजी में बोलूँ इस सेंटेंस बनाकर इसको, तो ये क्या लिखा हुआ है, फोर इज लेस देन फाइव, तो इज इट ट्रू के फोर इज लेस देन फाइव, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अच्छा अगर यहाँ पे भी फाइव हो जाता तो फिर फॉल्स, क्योंकि फाइव ये अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि फाइव इज लेस देन फाइव, जो कि फॉल्स है, फाइव इज नॉट लेस देन फाइव। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे सिक्स हो जाए तो भी ये फॉल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हो जाए टेन तो ये दोबारा ट्रू हो जाएगा, सिक्स इज लेस देन टेन। अच्छा तो ये पूरा हट जाएगा यहाँ से और यहाँ पे ऐसे ट्रू आ जाएगा उसकी जगह। दिस इज कॉल्ड रिटर्न वैल्यू, जो हम इससे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज रिटर्न वैल्यू, कि जब कोई चीज़ खुद इवैल्यूएट होती है और उस अपनी जगह दूसरी वैल्यू ले आती है खुद हट के, तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न वैल्यू। तो ये जो बात लिखी हुई है ये मुझे इवैल्यूएट हो जाएगा या तो ट्रू पे या तो फॉल्स पे। अच्छा तो अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला टेम अगर लेस हो किससे, 25 से। अच्छा तो इमेजिन करो कि टेम्प यूज़र से, क्योंकि मैं इनपुट ले रहा हूँ, यूज़र कुछ भी लिखेगा, जीरो भी लिखेगा, फाइव भी लिखेगा, 100 भी लिखेगा, कुछ भी लिख सकता है यूज़र। तो जो भी यूज़र ने लिखा, यूज़र ने इमेजिन करो 18 लिखा, तो क्या ये ट्रू है? ये ट्रू है। ठीक है, अच्छा अब यूज़र ने लिख दिया 26, तो अब ये क्या हो गया, अब फॉल्स हो गया। तो अब हमें समझ में आया कि ये इफ़ के ज़रिए जो कंडीशन चेक होगी ना, वो असल में इफ का कमाल नहीं, वो यूजर की वैल्यू आएगी डिफरेंट, तो वो कंडीशन दूसरी देगा। अच्छा अगर यूजर हमेशा 26 देता रहे तो ये वो हमेशा फॉल्स रहेगा। किसी दफा में यूजर अगर 18 दे देता है या 22 दे देता है तो फिर ये ट्रू रहेगा, अगर हमेशा वो 22 देता रहे तो हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक है, तो जो कंडीशन है वो ऑलवेज डिपेंड्स ऑन यूजर के इनपुट पे। मिसाल के तौर पर रियल लाइफ का जो हम वो लेते थे, कंडीशन सोचते थे, डिसीजन लेते थे, वो किस पे, जैसे मैं कौन से कपड़े पहनूं, तो वो डिपेंड कर रहा है वेदर पे। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर ना वो जो क्राइटेरिया है वो यूज़र का इनपुट होता है, हमेशा यूज़र कोई ना कोई इनपुट देता है, उसके ऊपर वो कुछ हो रहा होता है। अच्छा सिचुएशन, जैसे अभी हमने देखा था कि एटीएम से जब मैं कैश विड्रॉ करता हूँ तो क्या होता है उसमें जो यूज़र का करंट बैलेंस है वो भी काइंड ऑफ यूज़र की वजह से ही है, उसी का ही इनपुट है। तो यूज़र का करंट बैलेंस जो है वो इस जगह पर आ जाता है, बैलेंस। अगर बैलेंस लेस हो जाए किससे, अमाउंट जो भी बंदे ने एंटर किए, तो मतलब इस तरह कुछ हो रहा होता है पीछे। वेल अभी हम इसको वापस वो टेम्प वाले पे ले आते हैं। अच्छा तो मैंने ये बोला कि अगर जो टेम्परेचर है ना वो 25 से छोटा है अगर, तो क्या कर दो, बोल दो कि इट्स कोल्ड। अच्छा यूजर ने दे दिया 25, यहाँ पे आ गया 25, क्या रिटर्न होगा, फॉल्स, क्योंकि 25 इज नॉट लेस देन 25। वेल अभी तो इसको मैं 24 कर देता हूँ ताकि ये ट्रू हो जाए, इसको एक दफ़ा चला के देख लेते हैं 24 पे। ठीक है, 24 पे एक बार इसको मैं चला के देख लेता हूँ, इट्स कोल्ड लिखा हुआ है। अच्छा जैसे ही ये 25 होगा अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब वो कंडीशन फॉल्स हो गई। देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ, नहीं चल रहा। ठीक है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अच्छा लेकिन अब ये भी एक मसला है कि ट्रू होती है तो कोर्ट चलता है, फॉल्स पे को पता ही नहीं चल रहा कि फॉल्स हुआ है क्या हुआ है। तो इसके साथ ना एल्स लगाने का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, फिर अब जब मैं एल्स लगा देता हूँ तो उस केस में क्या होता है कि या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा, एक वक्त में एक चलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो चलेगा इफ की बॉडी, और अगर कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो इफ की बॉडी नहीं चलेगी, एल्स चल जाएगा अगर। ठीक है, तो दोनों में से एक चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चल जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये दोनों में से इफ चलेगा या एल्स चलेगा, दोनों नहीं चलेगा। तो इसमें मैं क्या लगा देता हूँ, इट्स हॉट।
इट्स हॉट लगा दिया मैंने, अब आते हैं ज़रा, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो क्या होगा, यूज़र 25 लिखा हुआ है, तो इफ तो फॉल्स है इस केस में, तो क्या चलेगा, एल्स, पहले कुछ नहीं हो रहा था लेकिन अब ये एल्स चल गया, ठीक है, इट्स हॉट लिखा हुआ गया। इसको मैं दोबारा 30 कर देता हूँ, 30 पे ये दोबारा इफ ट्रू हो जाएगा, इट्स हॉट है, अच्छा फॉल्स होगा ना, 25 से कम पे किया गया, सही है। अच्छा तो पॉइंट समझ में आ गया, इफ लिखना आ गया कि इफ कैसे लिखते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा ना हम इफ को मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर इफ की बॉडी में यहाँ पे एक तो बूलियन हमने दिया ना, क्योंकि उसको बूलियन रिक्वायर्ड है, बूलियन इसको चाहिए ट्रू फॉल्स को कंसिडर करने के लिए। इमेजिन कर लो इसमें मैंने क्या लिख दिया, कार लिख दिया, ऐसे कोई स्ट्रिंग लिख दिया, तो अब ये क्या करेगा, क्या लगता है कुछ जो लोग जिन्होंने जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत पहले से पढ़ी हुई है, क्या वो बताना चाहेंगे कि ये क्या बिहेव करेगा इसके ऊपर, इसको ट्रू करेगा, क्यों स्ट्रिंग को ट्रू लेता है जावास्क्रिप्ट, बोल तो सही रहे जी, एम्प्टी को फॉल्स लेता है और अगर कुछ लिखा हुआ तो ट्रू लेता है। अच्छा बोला तो इन्होंने सही है बिल्कुल, कार लिखूंगा ना तो ट्रू होगा, लेकिन क्यों होगा वो इन्होंने नहीं बताया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 9 है सर तो क्या होगा, तो भी ट्रू होगा, तो फॉल्स का यानी कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि मुझे एग्जैक्टली पता चल जाए कब ट्रू होगा कब फॉल्स होगा, एक तो बूलियन है ना उसमें तो पता है मुझे 0 पे फॉल्स होगा और माइनस 0 पे फॉल्स होगा और एम्प्टी स्ट्रिंग पे भी आपने बताया फॉल्स होगा अनडिफाइंड। अच्छा तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिस पे ये फॉल्स होगा। देखो जावास्क्रिप्ट को जब भी यहाँ पे मिलता है ना स्ट्रिंग ऐसा कुछ भी या बूलियन के अलावा कुछ भी उसको मिलता है तो वो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है बूलियन में, ठीक है, कन्वर्ट करने की कोशिश करता है बूलियन में या पार्स करने की कोशिश करता है जो भी बोल लो। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर 7 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि कहलाती हैं फॉल्सी वैल्यूज़, ठीक है, बूलियन के अलावा 7 वैल्यूज़ हैं जो कि कहलाती हैं फॉल्सी वैल्यू, तो उनमें से अगर कोई होगा ना तो उसको वो कन्वर्ट करेगा फॉल्स में, उसके अलावा जितनी भी बची हुई वैल्यूज़ हैं चाहे वो कुछ भी हो उसको वो कन्वर्ट करेगा ट्रू में, ठीक है, ये समझ आई बात सब लोगों को। अच्छा तो वो फॉल्सी वैल्यूज़ की कहीं लिस्ट होनी चाहिए, गूगल पर देख लेते हैं वो कौन सी लिस्ट है। तो मैंने जाके लिखा, मैंने कहा जावास्क्रिप्ट फॉल्सी वैल्यूज़, एंटर किया तो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया, ये वो वैल्यूज़ हैं जिसको क्या लेता है ये फॉल्स लेता है, एक तो फॉल्स इटसेल्फ है, 0 है, माइनस 0 है यानी 0 किसी भी फॉर्म में, एम्प्टी स्ट्रिंग हो किसी भी फॉर्म में चाहे वो डबल कोट से हो चाहे वो सिंगल कोट से हो चाहे वो बैकटिक से हो, ये 3 तरीके हैं स्ट्रिंग लिखने के जावास्क्रिप्ट में, तो तीनों में से कोई भी तरीका हो, नल है, अनडिफाइंड है, क्या किया मैंने, अच्छा नल है, अनडिफाइंड है, नॉट अ नंबर है और डॉक्यूमेंट डॉट ऑल है, ये वो 7 वैल्यूज़ हैं जो कि क्या है फॉल्सी वैल्यूज है, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे लिंक भी पेस्ट कर देता हूँ भला इस जगह पे, ठीक है, फॉल्सी वैल्यूज करके मैंने ये लिंक पेस्ट कर दिया है, तो इनमें से अगर कोई भी वैल्यू होगी फॉल्सी में से तो उसको क्या लेगा, ये फॉल्स लेगा अदरवाइज। अच्छा तो मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ कार, अब बताओ कार फॉल्सी वैल्यू है, एम्प्टी स्ट्रिंग है फॉल्सी वैल्यू, लेकिन स्ट्रिंग में कुछ भी लिखा हो तो वो ट्रू है, तो ये ट्रू लेगा इसको, देखते हैं, तो इट्स कोल्ड लिखा हुआ जाना चाहिए, अच्छा इट्स कोल्ड लिखा हुआ गया। अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ -120 क्या ये 7 वैल्यूज जो होती हैं फॉल्सी वैल्यूज उनमें से कोई एक है, ये क्या थी वो 7 वैल्यूज, 0 माइनस 0 एम्प्टी स्ट्रिंग नल अनडिफाइंड, तो उसमें -120 तो नहीं था, ठीक है, तो ये ट्रू है। अच्छा चला के देखते हैं, इट्स कोल्ड लिखा हुआ आना चाहिए, लिखा हुआ गया ट्रू है ये, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 0 फॉल्स है, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो 0 फॉल्स है, 0 के अलावा +1 -1 और प्लस में इन्फिनिटी तक पूरा और माइनस में इन्फिनिटी तक पूरा, ये सब ट्रू है, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स है, एक डॉट भी आ गया इसके अंदर तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि जो हमारा इफ जो है
अगर उसको नॉन बूलियन वैल्यू मिल जाए इत्तफाक से कभी, तो फिर उस पर ये कैसे बिहेव करता है? अच्छा, इसमें किसी का कोई सवाल? अब अगर मैं एक छोटा सा आपको टास्क दूँ इस इफ को लेकर, तो हो जाएगा, बना लोगे? अच्छा, एक चीज मैं आखिरी और बता देता हूँ, फिर आपको मैं एक टास्क देता हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पे अभी तो ये सिर्फ चेक कर रहा है कि 25 से अगर छोटा है तो एक चीज़ है, और 25 से बड़ा तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ है। समटाइम दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं 25 से नीचे जब होता है ना, तो एग्जैक्टली कोल्ड नहीं होता, हम उसको सर्दी काउंट नहीं करते। लगती तो है मैं ठंड थोड़ी बहुत, लेकिन हम उसको सर्दी काउंट नहीं करते। तो अगर मैं अपनी पर्सनल अपनी बात करूँगा, तो मेरे लिए ऐसे अगर 25 से कम है ना, 25 तक मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 25 से अगर कम हो तो मुझे बाइक चलाते हुए जैकेट चाहिए होती है। ठीक है, वैसे घूमता फिरता रहो, बैठा रहो, कोई इशू नहीं है, खुले मतलब बैठते हैं बाहर चाय के होटल में तो, लेकिन अगर 25 से कम हो ना, तो मुझे बाइक चलाते हुए, क्योंकि हवा होती है, तो मुझे जैकेट चाहिए होती है। ठीक है, तो मैं उसको सर्दी में काउंट नहीं कर रहा, बट स्टिल आई नीड जैकेट एट सम पॉइंट 25 से अगर नीचे हो। अच्छा, 25 से अगर ऊपर है तो मुझे जैकेट कहीं नहीं चाहिए, ना चाहे बाइक चलाते हुए ना चलते फिरते हुए। तो अच्छा, फिर और नीचे गए, अगर 18 तक है ना, तो मुझे ऐसे में अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मुझे जैकेट नहीं चाहिए। 18 से कम अगर है तो मुझे जैकेट चाहिए, ये मुझे एग्जैक्टली पता है मेरा। तो 18 डिग्री तक अगर है मेरे पास, तो फिर मुझे क्या चाहिए? मुझे बैठते हुए या कहीं पर मैं अगर बैठा हुआ हूँ तो मुझे जैकेट की ज़रूरत नहीं है। उससे नीचे हो गया तो मुझे बैठे हुए भी जैकेट की ज़रूरत है। तो हाँ, ये तीन क्लासिफिकेशन हो गई एक्चुअली। तो अब मुझे चेक ये करना है कि यार कैरी जैकेट बनाना है, कि शुड आई कैरी जैकेट और नॉट। ठीक है, तो एक तो 25 से कम है तो मुझे जैकेट सिर्फ बाइक चलाते हुए चाहिए, और अगर 18 से कम है तो मुझे फिर हर वक्त जैकेट चाहिए। तो अब मेरे पास तीन कंडीशन हैं। तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा कि अगर तो ये 18 से कम है, सॉरी 18 से टेम्परेचर 18 से कम है, ठीक है, टेम्परेचर लेस देन 18 अगर है, तो फिर मैं क्या बोलूँगा? कैरी जैकेट ऑल टाइम। ठीक है, अच्छा 18 से अगर कम नहीं है तो ज़ाहिर 18 से बड़ा है फिर। 18 से बड़ा है तो मैंने क्या कहा? 18 से बड़ा है तो 19 होगा, 20 होगा, 21, 22, 24, 25 कुछ होगा। तो मैंने कहा कि यार कैरी जैकेट व्हेन राइडिंग, सही है। अच्छा, अब मसला मगर ये है कि 18 से बड़ा तो 32-35 भी 18 से बड़ा होता है, तो उसमें 35 में भी मुझे बोलेगा कि यार कैरी जैकेट व्हेन राइडिंग। अब यहाँ पे क्या करें? तो अब यहाँ पे ना मुझे, मेरे पास ऑप्शन है कि ये जो इफ़ और एल्स लिखा था ना मैंने, मैं नीचे इसकी चेन बना दूँ पूरी, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, वो सबको लाइन से चेक करेगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड चेन स्टेटमेंट। तो मैं चेन स्टेट, अभी तो दो था ना, एक इफ एक एल्स, दोनों में से कोई एक चलेगा, दोनों नहीं चले, तो इसको मैं चेन भी बना सकता हूँ। मतलब दो में से एक अभी चल रहा है ना, तो तीन में से एक भी चला सकता हूँ, चार भी कर सकता हूँ, दस भी कर सकता हूँ, कि दस में से कोई एक ट्रू होगा। ठीक है, तो वो कैसे करूँगा मैं? यहीं पर ना एल्स के आगे एक ऐसे एक और इफ लगा दूंगा। मैंने कहा एल्स इफ अगर टेम्परेचर क्या हो, छोटा हो 25 से, 25 तक नहीं मसला है मुझे, 25 से छोटे में मसला है। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार अगर 25 से छोटा हो तो ये चलाओ, और फिर यहाँ पे मैं एक एल्स और लगा दूंगा, और इसमें मैं क्या बोलूँगा? अब ये एल्स तक कब पहुँचेगा? ये जब टेम्परेचर 18 से छोटा भी फॉल्स हो गया, 25 से छोटा भी फॉल्स हो गया। ठीक है, अब ये पहुंचा है यहाँ पर लास्ट में, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ तक मेरा कोड पहुँच गया है चेक करते कर, क्योंकि अगर पहला ट्रू हो गया ना, तो नीचे वालों को चेक भी नहीं करेगा ये, इसको ज़रूरत नहीं नीचे वालों को, क्योंकि एक ही ट्रू होना था दो में से, तो नीचे वालों को चेक भी नहीं करेगा ये। तो यहाँ तक अगर मेरा कोड पहुँचा है चेक करते करते, और सारी कंडीशन फॉल्स करके पहुँचा है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर 25 से बड़ा है। ठीक है, तो 25 से बड़ा है, तो मैंने कहा कि भाई नो नीड टू कैरी जैकेट। अच्छा, अब मैं एक और भी है आगे, क्लासिफिकेशन तो जितनी बढ़ाते चले जाओ। मिसाल के तौर पे अगर टेम्परेचर 30 हो ना, 30 अगर हो टेम्परेचर, या उससे कम कम हो, यानी 30 से बड़ा ना हो, 31 ना हो,
30 तक अगर टेम्परेचर हो तो इट फील्स प्लेजेंट टू मी, मेरी पर्सनल बात कर रहा हूँ, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है ये, 30 तक मुझे प्लेजेंट फील होता है, 31 जहाँ हो जाए ना फिर मुझे पसीना भी आता है और दिमाग भी ख़राब होता है कि यार गर्मी हो रही है, 30 तक फील नहीं होता। अच्छा अब मुझे वो भी, एक तो 25 तक, 25 तक मुझे जैकेट भी चाहिए, 25 से बड़ा हो गया तो कितना बड़ा हो गया, 40 हो गया क्या? तो मैंने कहा 30 तक अगर है ना तो साथ में क्या बोलो कि प्लेजेंट वेदर है और नो नीड टू कैरी जैकेट। अच्छा फिर 30 से बड़ा अगर होता है तो क्या बोलो कि इट्स हॉट आउटसाइड, डोंट कैरी जैकेट, ऐसे बोलो। तो मैं इसमें एक और ऐप ऐड कर दूंगा, मैंने यहाँ पे लगाया एक और इफ, और मैंने यहाँ पे क्या बोला कि टेम्परेचर अगर छोटा हो 30 से 31 से, बल्कि क्योंकि 30 तक तो सही है ना, 31 से, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, इसको इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं ना, ठीक है, मैंने एक इफ बीच में और बढ़ा दिया इसके, और मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, इट्स प्लेजेंट की स्पेलिंग क्या थी यार, मैंने गलत लिखी, प्लेजेंट की ये स्पेलिंग होती है, इट्स प्लेजेंट आउटसाइड, ठीक है, नो नीड टू कैरी जैकेट। अच्छा अगर 31 से भी बड़ा हो जाए तो मैं फिर यहाँ पे क्या बोलूँगा, इट्स हॉट आउटसाइड, डोंट कैरी जैकेट। तो ये मैंने चार कंडीशंस लगा दी, अब ट्रू इन चारों में से एक ही होगा क्योंकि ये चेन स्टेटमेंट है, ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे की, दो ना इफ है फिर एल्स इफ है फिर एल्स इफ है, ऐसे जुड़ा हुआ है। तो अगर पहला वाला ट्रू हो गया तो ये बाकी नीचे वाला को चेक भी नहीं करेगा, सही, अगर पहला फॉल्स हुआ तो फिर ये अगले पे आएगा फिर उसको चेक करेगा, ये ट्रू हो गया तो आगे चेक नहीं करेगा, फिर अगर ये भी फॉल्स हो फिर तीसरे पे आएगा, अगर तीनों फॉल्स हो गया तो फिर एल्स चला देगा चौथा वाला, ठीक है। तो इन चारों में से कोई एक चलेगा, लाजमी चलेगा, यानी एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये लास्ट में, टोटल चार बॉडी है, तो इनमें से कोई एक चलेगा, लाजमी चलेगा चेन स्टेटमेंट में। अच्छा ये एंड में जो मैं एल्स लगाता हूँ ना, ये मेरे लिए ऑप्शनल है भाई, ये मैं ना भी लगाऊँ तो चलेगा, मतलब मैं सिर्फ इफ इफ लगा दूँ, मुझे एल्स नहीं रखना, ठीक है। तो ये भी मेरे लिए एल्स लगाना ऑप्शनल है हमेशा, ठीक है। तो ये हमने इफ को ना थोड़ा सा डिस्कस किया है, अब छोटा सा आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ और उसको करने के लिए आपके पास टाइम होगा 20 मिनट्स का, ठीक है। अभी 7:33 हो रहा है, 7:55 पे फिर आपसे मैं वो पूछूंगा कि आपसे हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा करना ये होगा कि ये जो टेम्परेचर इनपुट ले रहे हैं ना अभी यूज़र से, इसकी जगह आपने यूज़र से लेना है उसका परसेंटेज कि एग्ज़ाम में उसका कितना परसेंट आया है नंबर, और जब वो अपना परसेंटेज एंटर करे तो आपको चेक करना है कि ये किससे बड़ा है किससे छोटा है, क्या करके कि उसका ग्रेड बताना है, ठीक है। ग्रेड आप सब लोगों को पता है कि अगर 80 या उससे बड़ा हो तो A1 ग्रेड होता है, राइट। फिर 70 से बड़ा जो होता है वो A होता है, इस तरह मतलब CD तक लगा देना, उसके नीचे फेल करवा देना उसको, ठीक है। तो ये 20 मिनट्स है, फॉर्म बना के प्रॉपर आपने कोड लिखना है, ये जैसे मैंने लिखा है ना, फॉर्म नहीं बनाया मैंने, आपको फॉर्म से इनपुट लेना है बना के, ठीक है, हो जाएगा ना, मुश्किल तो नहीं है, चलो करो। ये कोड मैं पुश कर देता हूँ गिटहब में ताकि ये कोड भी आपके पास आ जाए। सही है, ये कोड मैंने गिटहब में पुश कर दिया है। स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, CAL कैलकुलेट ग्रेड विथ FLs, तो ये नया फोल्डर मैंने बना लिया। अब इस पर मैं क्या करता हूँ, ये इनपुट आउटपुट वाला जो पूरा कोड था ना, ये पूरा कोड एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। और क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया था कि हर कोड में इनपुट और आउटपुट सेम रहता है, मतलब रहेगा ही, सिर्फ बीच का प्रोसेस चेंज होगा, तो इसको ज़रा पहले तो एज इट इज़ चला कर देख लेते हैं कि इसमें क्या बनाया था हमने, जो इनपुट आउटपुट जब हम पढ़ रहे थे, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट। अच्छा इसमें दो नंबर हुआ करते थे और दोनों में जो भी मैं नंबर लिखता था, जैसे 7 लिखा और प्लस मैंने 3 लिखा और सम दब आता था तो नीचे 10 लिखा हुआ आ जाता था, यही किया था हमने इसके अंदर। अच्छा इस बार हमें क्या करना है, हमें दो इनपुट नहीं चाहिए, हमें एक चाहिए। तो हमने क्या किया, ये जो दो इनपुट थे ना इसमें से सेकेंड वाले को उड़ा दिया, एक इनपुट चाहिए मुझे, टाइप नंबर रहेगी इस इनपुट की, मिनिमम क्या देना चाहिए, मिनिमम 0 होगा, यानी 0 से कम परसेंटेज नहीं हो सकता आपका, ठीक है।
जीरो से कम परसेंटेज हो सकता है क्या? मिसाल के तौर पर टोटल नंबर थे 850 तमाम सब्जेक्ट के, आपने लिया जीरो, इससे कम तो नहीं ले सकता ना, माइनस में तो नंबर नहीं ले सकता कोई, जीरो होगा मिनिमम, तो उसका परसेंटेज क्या कैलकुलेट होगा? जीरो होगा। तो जीरो इज़ द मिनिमम नंबर, मैक्सिमम 100 हो सकता है परसेंट, यानी किसी बंदे के टोटल मार्क्स थे 850, तो वो 851 नहीं ले सकता, 850 ही मैक्सिमम है जो वो ऑप्टेन कर सकता है। तो मैक्सिमम परसेंटेज क्या कैलकुलेट होगा? 100 होगा, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। बाय द वे परसेंट जो नाम है ना वो है भी इसी वजह, सेंट कहते हैं 100 को, सेंट किसको कहते हैं? 100 को। तो वो पर सेंट का मतलब होता है कि 100 में से कितने, यही है ना। सेंट सेंचुरी जो हम कहते हैं वो इसी सेंचुरी में भी, सेंचुरी लगा हुआ है, सेंट का मतलब होता है 100, तो 100 साल को एक सेंचुरी कहते हैं। तो पर सेंट का मतलब यही होता है कि 100 में से कितने। जी मैं 2 मिनट में भेजता हूँ। तो मैंने ये एक नंबर उड़ा दिया इसमें से, सबमिट का बटन आ गया। अच्छा, और मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने बोला परसेंटेज, सही है, योर परसेंटेज, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो एंटर करेगा तो साथ में क्या लिखा हुआ आ जाएगा कि योर परसेंटेज, और सम नहीं होगा फिर, चेक ग्रेड इसमें मेरे ख्याल लिखना चाहिए, मैं चेक ग्रेड, तो परसेंटेज लिख के और चेक ग्रेड का बटन दबाएगा तो नीचे ग्रेड लिखा पाना चाहिए, ये हो गया। अब नीचे जो फंक्शन कैलकुलेट होता है, फंक्शन का नाम है डू सम, फंक्शन का नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ। मैं ये बोलता हूँ यार कैलकुलेट परसेंटेज, ठीक है, दोनों यहाँ पे भी चेंज कर दिया और यहाँ पे भी चेंज कर दिया, दोनों जगह किया, क्योंकि जो ऑन सबमिट पे फंक्शन लिखा हुआ है नीचे कॉल वही होता है, तो अलग अलग होगा तो वो बोलेगा मुझे ये फंक्शन मिल ही नहीं रहा। अच्छा, उसके बाद क्योंकि नंबर एक है मेरे पास अब, तो एक वैल्यू गेट करूँगा मैं, एक वैल्यू गेट करने के बाद ज़ाहिर है उसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इस जगह पे नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और क्या करना है मुझे, अब मुझे रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ मैं करता था प्लस, अब मुझे क्या करना है वो इफ़ लगा के करना है, तो इस जगह पे जो है ना यहाँ पे लगेगा बहुत सारा इफ़, और यहाँ पे वो चीज़ कैलकुलेट होगी रिज़ल्ट, ठीक है। तो रिज़ल्ट का मैंने क्या किया, ये वेरिएबल बना के फिलहाल इसमें क्या रखवा दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग रखवा दिया शुरू में, ठीक है, फिर इफ़ लगा के ना जो इफ़ ट्रू होगा वो ग्रेड उसमें रखवा दूंगा मैं, और लास्ट में क्या करूंगा उस रिज़ल्ट को स्क्रीन पे प्रिंट कर दूंगा मैं। मिसाल के तौर पे मैंने बोला कि भाई अगर नम जो है, ठीक है, अगर बड़ा है किससे, 80 से बड़ा है, तो क्या कर दो, रिज़ल्ट इक्वल टू कर दो, इक्वल टू क्या कर दो, अच्छा नम वन है, यहाँ हमारा जो इनपुट है वो नम वन है इस वक्त, सही है, इसकी आईडी भी नम वन है ना, सही है। अच्छा, अगर नम वन जो है वो बड़ा है 80 से, सही है, बल्कि 79 से ना, जी मैं 2 मिनट में भेजता हूँ। तो A1 इसको रिजल्ट में लगा दो, A1 है, और उसके बाद नीचे स्क्रीन पे A1 प्रिंट हो जाएगा, सही है। अब मैंने रिफ्रेश किया, मैंने कहा भाई 80, चेक ग्रेड A1 हो गया, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी सिर्फ 80 को चेक किया, यहाँ पे अब else if लगा के फिर आप क्या करेंगे, और भी चेक कर लेंगे, मेक सेंस है। मैंने कहा नम वन अगर क्या है, अगर बड़ा है 69 से, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेड ए हो गया, फिर ए हो गया, यही है ना, जाके चेक कर लेता हूँ मैं। मैंने कहा कि यार 70 अगर है तो ए है ये। अच्छा, 70 से नीचे होगा तो कुछ स्क्रीन पे आएगा नहीं ना, मैंने क्योंकि लगाया नहीं अभी तक कुछ, 70 से नीचे वाले को चेक नहीं किया मैंने। मैंने कहा 71, 72, 77 तक क्या है, ग्रेड ए है, 78, 79 तक भी ग्रेड ए रहेगा, जैसे ही 80 होगा A1 हो जाएगा। तो इस तरह मैं 4, 5, 6 जितने ग्रेड होंगे सारे मैं चेक करवा लूँगा, यही होगा ना, बीच में प्रोसेस चेंज हुआ है सिर्फ, इनपुट लेने का तरीका और आउटपुट दिखाने का तरीका ये सेम है। तो थ्रू आउट द कोर्स ये बीच वाला जो पार्ट है ना ये हम पढ़ रहे होंगे, अभी जो जावास्क्रिप्ट जितनी भी हम पढ़ेंगे, जो फंडामेंटल्स जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये बीच वाला पार्ट ही चेंज होगा, बाकी ऊपर और नीचे का तो इनपुट आउटपुट सेम रहेगा, ठीक है। मुश्किल तो नहीं था, आसान था बिल्कुल। अच्छा, अभी आप सब लोग नमाज़ पढ़ने चले जाएं, तो फिर वापस आते हैं तो हम जो बचा हुआ हमारा इफ़ का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं, और होपफुली कंपैरिजन ऑपरेटर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर पाएंगे। ये सब लोगों ने कर लिया होगा होपफुली, इसके अंदर एल्स इफ मैं और ऐड करूँगा, और मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर आके कि भाई क्या हो गया, 59 से जो बड़ा वाला वो बी ग्रेड है, ठीक है, और बी के बाद क्या मुझे सी ग्रेड भी चाहिए, हाँ मुझे सी ग्रेड वाला भी चाहिए। सर, लेकिन सर, इश्यूज नहीं आ रहे, क्यों
क्या नहीं आ रहा है कंसोल में, जैसे हम पॉइंट में डालते तो कहता है कि नहीं आप इसमें डालें नंबर में डालें पॉइंट में, में अभी इसमें करके देख लेते हैं पॉइंट में क्या आता है। पॉइंट में कोई मसला तो नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर नम वन में बंदे ने लिखा है 85.6 तो वो 79 से तो बड़ी है। अभी वो करके देख लेते हैं कि एरर देता है या नहीं देता। मैंने कहा कि यार 59 से अगर बड़ा है यानी 60 है तो फिर वो बी है, 59 तक जो वो नहीं पड़ेगा। अच्छा फिर मैंने कहा कि 49 से अगर बड़ा है तो मैंने कहा भाई तुम सी हो, ठीक है, यानी 49 से बड़ा क्या होगा 50 तक अगर है तो वो सी में पकड़ लेगा उसको। अच्छा फिर मैंने लास्ट में एल्स लिखा और मैंने कहा कि भाई अच्छा नहीं नंबर के टैग अगर रिस्ट्रिक्ट भी कर दूँ मैं तो पॉइंट वाले नंबर तो वो दे देता है, अलाउ कर देता है। अच्छा ये मैं अभी अपने पास भी कर लेता हूँ। अच्छा ये मैंने रिफ्रेश कर दिया, पहले तो उसमें मैंने 50 डाला, 50 में क्या आना चाहिए सी ग्रेड आना चाहिए, 50 से कम होगा तो फेल हो जाना चाहिए। अच्छा अब मैंने कहा भाई 50.45 मिसाल के तौर पे चेक ग्रेड, हाँ यार ये कह तो रहा है, ये कह तो रहा है नियरेस्ट वैलिड वैल्यू। अच्छा क्या मैंने लिख दिया ऐसा इसके ऊपर जो ये कह रहा है, अच्छा मिन मैक्स की वजह से तो नहीं हो रहा, एक मिनट में मिन इसकी वजह से नहीं हो रहा तो टाइप नंबर हटाना पड़ेगा मुझे, नहीं यार गूगल अलग से कर लेते हैं, ठीक है अपना डेसिमल पॉइंट्स इन नंबर इनपुट HTML राइट, यही है ना, किसी ने पूछा हुआ अभी ये सवाल ये। अच्छा ये स्टेप इसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि स्टेप कौन सा हो, अगर मैं स्टेप में ये लिख दूंगा 0.01 तो वो ऊपर का बटन दबाने से ना स्टेप इतना करके बढ़ेगा, सही है। और किसी ने कुछ कहा हुआ है, हाँ लोग यही कह रहे हैं कि स्टेप आप बता दें कि क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट स्टेप जो है वो पूरा एक इंटीजर है। स्टेप से मुराद ये है कि जब मैं यहाँ जाता हूँ ना, रिफ्रेश किया मैंने, अब यहाँ पर मैंने अप का बटन जब दबाता हूँ तो ये स्टेप कहलाता है, 8 से 9 होता है डायरेक्ट ये, तो मैंने अब क्या करना है यहाँ पे मैंने स्टेप डिफाइन कर देना है कि स्टेप कितना हो, मैंने कहा 0.1 हो स्टेप, ठीक है। तो अब जब मैं इसको लिखता हूँ ना तो 45.6 और स्टेप दबाऊंगा तो देखो ये एक एक पॉइंट करके ऊपर जाएगा, तो अब ये मुझे प्रॉब्लम नहीं करेगा। 45 पे तो वैसे भी फेल था, मैंने कहा कि भाई 50 पे ये पास है तो 50.5 पे भी पास ही है, ठीक है ये वाला सीन है। तो पॉइंट पे वैसे हमारा वो है नहीं, हम पूरे पूरे इंटीजर पे कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा तो ये मैंने पूरा A1 ग्रेड से लेके ना A, B और C और फिर फेल ये पूरा हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं ज़रा कि कि टर्नरी ऑपरेटर क्या चीज़ है, टर्नरी ऑपरेटर को हम देख लेते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर क्या है। इफ एल्स तो हम